जी, ये जो 200 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग मामला है, उसमें हम जानते हैं कि सुकेश चंद्रशेखर अभी भी जेल में है। अब जो हमारे पास सूत्रों से हमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मिली है, वो ये है कि सुकेश चंद्रशेखर जब रोहिणी जेल में थे, वो वहां से भी अपनी ठगी का रैकेट चला रहे थे। यहाँ पे जो ज्यादा ये महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि जेल अधिकारियों की मिलीभगत से ये रैकेट चलाया जा रहा था। रोहिणी जेल में रैकेट चलाने में उनकी मदद जो थे, वो रोहिणी जेल के 3 अधिकारी कर रहे थे। इन अधिकारी में जो अधिकारी इन्वॉल्व थे, वो थे वहां के जेल सुपरिंटेंडेंट, डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट और वहां के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट। ये तीनों ही अधिकारी 2020 से 2021 में, जब ये कुछ हुआ था, रोहिणी के जेल नंबर 10 में तैनात थे, जहां पर सुकेश को रखा गया था। जेल के अंदर जो ऐशो आराम की चीजें हैं, जो काफी फैसिलिटीज है, वो उपलब्ध कराई गई थी सुकेश को, हमारे सूत्रों ने हमें ये बताया है। और इन सुविधाओं के एक रिटर्न में उन्हें काफी पैसा सुकेश ने दिया दिया था। सुकेश के सहायक जो जेल के बाहर थे, सुकेश जेल में बैठे बैठे ये ठीक पूरा है रैकेट कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ठीक है, और इसी तरीके से उनके सहायक ये जो पैसा है, वो इन जेल के अधिकारियों को दे रहे थे।